जमीन पे बैठ के क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। औरों की सफलता के किस्से सुनने की बजाय आप खुद सफल बनो, और उसके लिए प्रयत्नों की समकालिकता क्रमशः धीरे 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 किया गया परिणाम मेहनत एक दिन बहुत बड़े नतीजे लेकर के आती है। तो दोस्तों, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वापस वही बार बार कहता हूँ, सिलेबस पे फोकस करो, पिछले सालों के पेपर को देखो और चिंतन करो। जैसे आप चैप्टर पढ़ रहे हैं भारत की राजनीति के अंदर गांधी जी, तो पहला टॉपिक था गांधी जी का जन्म कहाँ पे हो, डायरी के अंदर लिखो, विदेश कब गए, किस जहाज से गए थे वहाँ पे, और किस व्यक्ति के केस लड़ने के लिए, जैसे अब्दुल्ला है उनके केस लड़ने के लिए गए थे वहाँ पे, उन्होंने कौन कौन से आश्रम की स्थापना की। ठीक सा भारतीय राजनीति के अंदर आते हैं, फिर चंपारण आंदोलन है, चंपारण आंदोलन राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पे गए, तो एक एक फैक्ट के अंदर सारी चीज़ें लिखते हैं। फिर क्या हुआ साहब, अहमदाबाद आंदोलन हुआ गुजरात के अंदर, है ना, खेड़ा आंदोलन से उनका क्या लिंक था ये बताओ। फिर उसके बाद में बताओ, असहयोग आंदोलन हो गया, असहयोग आंदोलन में क्या क्या हुआ, चोरा चोरी कांड क्या हुआ। फिर भारत की राजनीति के अंदर गांधी जी का जो शांत काल कौन सा था, फिर है ना सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, ठीक है, फिर भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, ठीक है, कौन कौन से अखबार निकाले, किस भाषा के अंदर निकाले थे, भारत का विभाजन और गांधी जी ने कौन कौन सी पत्रिकाएं निकाली, किस भाषा के अंदर थी, और गांधी जी ने कौन कौन सी संस्थाओं की स्थापना की, हो गए गांधी जी। तो कहने का मतलब जो है, गांधी जी पूरे के पूरे गए। फिर उसी चैप्टर के अंदर गांधी जी के विचारों में और नेहरू जी के विचारों में समानता और असमानता, फिर अम्बेडकर जी के विचारों के अंतर्गत समानता और असमानता, यही चीज होगी, यही प्रारंभिक परीक्षा के लिए, यही मुख्य परीक्षा के लिए। अब आपको कुछ भी पूछे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर आपसे पूछे, सपोज करो एक छोटा सा टॉपिक है सरदार वल्लभ भाई पटेल, 3-4 लाइनों के अंदर, हाँ साहब सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये योगदान था, बारदोली की महिलाओं ने सर पटेल की उपाधि दी, और उनका जो योगदान है, क्या योगदान है साहब, कि स्वराज पार्टी के दौरान उनका अगर कोई योगदान रहा है तो योगदान, ठीक है, इसके अलावा और आंदोलन के रूप के अंदर उन्होंने किस रूप के अंदर काम किया, तो नेशनल मूवमेंट के अंदर उनका योगदान, दो टुकड़ों में बांट लीजिए, नेशनल मूवमेंट के दौरान योगदान, एक राष्ट्रीय एकीकरण के अंदर देशी रियासतों का जो एकीकरण थे, है ना, हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया, है ना, कश्मीर विलय, तो उसमें उनका क्या योगदान है, ठीक, आयरन मैन के रूप के अंदर लिख लिया, बात खत्म। तो टॉपिक को इस तरीके से तैयार करो, हमेशा कहता हूँ आज याद कर लिया पटेल, और बाद में कोई दोस्त है वो आपको बताए कि यार सरदार पटेल के आपने जो नोट्स बनाए उसमें ये चीज़ लिखी हुई नहीं है, तो वो चीज़ उसके अंदर ऐड कर दो, ठीक है। अब आप भारत में संवैधानिक विकास है वो तैयार कर रहे हैं, अब दिमाग के अंदर के, हाँ भाई भारत में संवैधानिक विकास 1772 के अंदर रेगुलेटिंग इंडिया एक्ट आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, फिर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई, बाद में 1813 का एक्ट आया, ये हुआ, 1833 के एक्ट के अंदर ये हुआ, फिर 1853 के एक्ट में ये हुआ, 1858 में ये हुआ, 1861 के अंदर पोर्टफोलियो हुआ, 1892 के अंदर अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई, 1909 के अंदर पार्लियामेंट और सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई, 1919 के अंदर द्वैत शासन आया, 1935 के अंदर प्रांतों को स्वायत्ता दे दी गई, 1937 के अंदर चुनाव हुए, फिर क्रिप्स मिशन आया, अगस्त के अंदर क्रिप्स मिशन आया, फिर ठीक है बस अगस्त प्रस्ताव आया, फिर क्रिप्स मिशन आया, फिर कैबिनेट मिशन आया। तो इस तरीके से सीक्वेंस के अंदर अच्छे तरीके से नोट्स तैयार करो, और आज ही काल करे सो आज करे राज करे सो अब, अब ये मैं सोचो मैं बाद में तैयार कर लूंगा, हाँ जी राजस्थान के क्रांतिकारी, ये लो आज ही हाथों हाथ तैयार करो, हाथों हाथ किसी को सुना दो, मित्रों को, कोई कह रहा है मेरा मित्र नहीं तो दीवारों को ही सुना दो, और दीवारों को नहीं सुनाने की इच्छा तो रात को सोते समय रिविजन करो, हाँ भाई राजस्थान के क्रांतिकारी मैंने पढ़े थे, जयपुर से ये क्रांतिकारी, बीकानेर से ये थे, जोधपुर से ये थे, जैसलमेर से ये थे, इस तरह बहुत बहुत।